कैसे हैं आप सभी यार। आज घर पे शूट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा क्वालिटी को, बैकग्राउंड को एडजस्ट कर लेना दोस्तों। बात ही कुछ ऐसी है क्योंकि दोस्तों जियो ने रिकॉर्ड बना दिया है। अब दोस्तों जियो इस देश में सेकंड नंबर पे आ चुका है टेलीकॉम ऑपरेटर्स के नंबर पे। जी हाँ दोस्तों, सबसे ऊपर है दोस्तों आइडिया वोडाफोन मर्ज कंपनी, उनके हैं दोस्तों 38 करोड़ यूजर्स। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों सेकंड नंबर पे है जियो 32 करोड़ 10 लाख यूजर्स, क्योंकि दोस्तों ये जो आंकड़ा है जियो ने कल रात पार कर लिया है एयरटेल को पीछे हटा के। एयरटेल के हैं अब 32 करोड़, पहले एयरटेल सेकंड नंबर पे था, पर कल रात को ही जियो ने एयरटेल को पछाड़ दिया है और अब जियो के 32.10 करोड़ यूजर लेके सेकंड नंबर पे आ गए और एयरटेल अब वही 32 करोड़ यूजर के साथ तीसरे नंबर पे पीछे चला गया है। और दोस्तों एक यहाँ पे बात गौर करने वाली ये कि हर महीने जियो के साथ 80 लाख से लेके 1 करोड़ यूजर जुड़ रहे हैं। दोस्तों कितना बड़ा ये आंकड़ा है, 80 लाख से लेके 1 करोड़ हर महीने यूजर आ रहे हैं। और वहां पे दोस्तों वोडाफोन एयरटेल के साथ हर महीने तकरीबन 8 से 15 लाख लोग जी उसको एयरटेल एंड वोडाफोन को छोड़ के जा रहे हैं। दोस्तों ये सबसे बड़ा कारण है एयरटेल के पीछे निकलने का। सबसे बड़ा यार देखो, बात पता क्या है कि इन्होंने 35 रुपए वाला वो प्लान लाया, उसके बाद दोस्तों नाश हो गया इनका यूजर। यार सबने अपने समय पोर्ट करवा ली, किसी ने जियो में, किसी ने बीएसएनएल में। दोस्तों सही भी है यार, हर महीने 35 रुपए वैलिडिटी के नाम पे क्यों दे यार हम, है कि नहीं दोस्तों? दोस्तों आपका क्या कहना है वैलिडिटी वाले प्लान के बारे में, और आप जियो के बारे में क्या सोचते हैं जो दूसरे नंबर पे आ चुका है, और कितना टाइम लग जाएगा जियो को पहले नंबर पे आने में? यार अभी 32.10 है तो 38 करोड़ है, कितना आपके हिसाब से कितने महीने बाद जियो पहले नंबर पे आ जाएगा, और आप क्या सोचते हैं इस टोटल आंकड़ा है इसके बारे में? दोस्तों कमेंट करके मुझे अपनी राय देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।